हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एम ए रसोई में। आज मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं दही से बनाऊंगी। दही तड़का बनाने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी तो बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने फ्राई पैन को रख दिया है हमने गैस पर। अब इसमें हम 3 चम्मच छोटे चम्मच से तेल कुरारेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। हम रिफाइंड का तेल डाला है। आधे चम्मच जीरा को ऐड कर देंगे। जीरा को हम चटकने देंगे, भूनने देंगे अच्छे से जीरा को। आधे चम्मच हम सरसों के दानों को भी ऐड करेंगे। देखिए जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसमें हम एक प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्का पका लेंगे और हम कुछ कड़ी पत्तों को भी ऐड कर देंगे। दो मैंने इस तरीके से हरी मिर्च को काट लिया है, इनको भी ऐड कर लेंगे और हम इनको पका लेंगे। अब इसमें हम जो 2 लाल मिर्च को भी इसमें ऐड करेंगे। क्या है, लाल मिर्च से तड़के का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और हम सारे मसालों को अच्छे से हम पका लेंगे। देखिए हमारी प्याज है जो देखिए हल्की पक चुकी है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधे चम्मच ऐड करेंगे जी हल्दी पाउडर। आधे चम्मच ऐड करेंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च। आधे चम्मच ऐड करेंगे जी हम गरम मसाला, जी हमारे घर का गरम मसाला है बना है। और हम मसाले को हल्का हम चला लेंगे क्योंकि मसाला हमारा पक जाना चाहिए। आधे चम्मच ऐड करेंगे हम जी धनिया पाउडर। मसाले को हमें हल्का फ्राई करना है और स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर देंगे। और हम गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद क्योंकि हमें मसाला हल्का ठंडा करना है हमें। देखिए गैस की फ्लेम को हमने बंद कर लिया था और हमारा मसाला भी हल्का ठंडा हो गया है। अब इसमें हम जी दही को ऐड कर देंगे। एक कटोरी हमने दही को लिया था और हम अच्छे से मिला लेंगे। आप भी जब तड़का वाला दही जब भी बनाएं तो आप गैस की फ्लेम को बंद ही करके दही को ऐड करें, नहीं तो वरना हमारा जो दही है वो हमारा दही फटाफटा सा हो जाएगा और दही का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। हमें गरम गरम बर्तन में हमें दही को नहीं डालना है, हमें बर्तन को ठंडा ही करके डालना है। और अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब वापस हम फिर से हम गैस की तरफ चलते हैं। फिर से हम 1 मिनट हम गैस पर हम पका लेंगे। देखिए हमने गैस पर हमने रख दिया है 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे हम गैस पर हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। देखिए 1 मिनट से 1.5 मिनट हो चुके हैं और हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे जी हम काला नमक। काला नमक आप कम ही डालें, क्या काले नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप जब भी कभी भी दही फ्राई करें तो आप इस तरीके से करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें लास्ट में हम कुछ धनिया को ऐड कर देंगे। देखिए हमारा दही फ्राई बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।